जो इंसान दूसरे इंसान को शक की नज़र से देखता है, हकीकत तो यह है वो अपने अंदर की बुराई दूसरे इंसान में ढूंढता है। जिस सोसाइटी में अच्छी एजुकेशन महंगे दामों में बेची जाए, वहाँ मुल्क की फिक्र करने वाले नहीं बल्कि अपनी फिक्र करने वाले पैदा होते हैं। गरीब माँ अपने बच्चों को प्यार से यूं मना लेती है, फिर बना लेंगे बेटा नए कपड़े, ये ईद तो हर साल आती है। एजुकेशन जिसके अंदर समा जाए वो सिंपल जिंदगी को अपनाता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाए वो एक्स्ट्रा मॉडर्न बन जाता है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में जाकर गिरा है। बहुत खुशनसीब होता है वो जिसके लिए कोई रोता है, और वो बहुत बदनसीब होता है जिसकी वजह से कोई रोता है। दुनिया पढ़े लिखे लोगों से भर गई है लेकिन इंसानियत से खाली है। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा आकर सुलह कराता था, मगर अब हर कोई आकर वीडियो बनाता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। छोड़ने वाले हमेशा बहाने तलाश करते हैं, उन्हें जाने दिया करो। यकीन करो जो आपके साथ सच्चा है वो 10 जूते खाकर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी सोसाइटी में एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे के बारे में बात की जाती है। अपने गम और दुखों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। ज़िंदगी बहुत अजीब है, सोचा कुछ किया कुछ हुआ कुछ और मिला कुछ। अगर किसी लड़की को लगता है कि मर्द तो जालिम होता है, तो जब तुम माँ बन जाओ तो अपने बेटों की अच्छी तरबियत करना। झूठ तो इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत किए बगैर, अपना साया भी मिलेगा तुम्हें धूप में जाने के बाद। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाया करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।